हैं मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो बेसब्री से सब लोगों का इंतजार था यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी का, तो फाइनली यहां पे एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि आपको डेफिनेटली बिलीव हो जाएगा कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, नंबर वैकेंसी कितनी रहेंगी, सिविल पुलिस में कितनी वैकेंसी है, पीएससी में कितनी है, फायर की कितनी है, मिल जाएगा। साथ ही में यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में भी आप सबको अपडेट मिल जाएगी और ये अपडेट आप सभी को एकदम ऑफिशियल 100% ऑथेंटिक रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सभी को बता दें कि भक्ति मोड़ के ईडीजी महोदय द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, तो साइड में आप सभी को यहाँ पे वीडियो दिख जाएगी। इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे भी क्या और लोगों की भर्ती होगी, क्या टारगेट किया गया है, और इस साल जो ये साल तो बीत गया, अगले साल में कितनी भर्तियां होंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर से पुलिस विभाग जो है लगातार पुलिस की भर्तियों के बारे में कार्रवाई कर रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विगत 5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 1.5 लाख से अधिक लोगों को भर्ती किया गया, नौकरियां दी गई हैं, और आने वाले समय में हमारे पास 50,000 के करीब विभिन्न पदों की भर्ती के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का अभी चयन नहीं हो पाया है वो लोग निराश न हो, बल्कि आगामी भर्तियों के लिए तैयारी करें। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, इसलिए इसमें मैं ब्रेकअप भी देना चाहूँगा। जो उपनिरीक्षक के जो पद हैं वो 829 पद अभी भी खाली हैं जो हमारे पास अध्याचन आया हुआ है। तो जो लोग हमारे जून में हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, 9,500 कैंडिडेट को हमने सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट किया था, जो लोग उसमें सफल नहीं हो पाए वो लोग 829 वैकेंसीज के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर के हमारे पास 693 पोस्ट आए हुए हैं, 693, तो उसमें हम लोग भर्ती करेंगे। कांस्टेबल रैंक में उत्तर प्रदेश में बहुत डिमांड रहती है, वो जगह जगह लोग पूछ रहे थे कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26,210 सिविल पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती का अध्याचन हमारे पास प्राप्त हो चुका है, और उसमें 1,007 फायरमैन की भर्ती इसके अलावा है, और पीएससी के भी 8,540 कांस्टेबल की भर्ती का अध्याचन हमारे पास प्राप्त हो चुका है, जिसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत समय में जेल विभाग की जो जेल वार्डन की भर्तियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से करवाने का फैसला ले रखा है। एक इस प्रकार की भर्ती हम करवा भी चुके हैं जुलाई के महीने में, लास्ट ईयर हम लोगों ने रिजल्ट भी दिया था 2021 में। उसी क्रम में हमारे पास 1,582 कैंडिडेट का और अध्याचन प्राप्त हो चुका है, उसकी भी हम भर्ती करेंगे। तो इस तरह से जो अभी बेरोजगार लोग बचे हुए हैं जो हमारी पुलिस में किसी न किसी रूप में सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें, फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छे करें, मेंटल एबिलिटी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी करें, तो उनको नौकरियां मिलेगी। सभी को ये वीडियो दिखा दी है, वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी जा रही है। आप सभी को बता दें कि भर्ती बोर्ड के एडीजी महोदय द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, और अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि कांस्टेबल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट लगातार पूछ रहे थे, तो कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है, जिसमें बताया गया है कि 26,210 पदों पदों में सिविल पुलिस में होंगे, साथ ही में 1,010 पदों के बारे में बताया गया है कि फायर करेंगे, साथ ही में 8,000 कुछ पद जो रहने वाले हैं वो पीएससी में रहने वाले हैं, यानी कि लगभग 35-37,000 पद यहाँ पे आने वाले हैं, जिनका अधिचयन भर्ती बोर्ड को प्राप्त हो चुका है। भर्ती बोर्ड उस पर पूरी जोर शोर से काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये जो आपके पद हैं जल्दी ही रिलीज हो जाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज करके आपके ऑनलाइन की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाए।